हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज की इस सेशन पे हम लोग बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी पर बेस्ड। बिल्कुल कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से इस पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं, इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर प्रीवियस कुछ सेशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बात करी है स्टोरेज डिवाइसेस को लेकर, जहां पर स्टोरेज डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम अपने कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इनको तीन टाइप में बेसिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा फ्लैश मेमोरी। यानी इन तीन टाइप्स में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, जहां हमने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि मैग्नेटिक डिस्क आपकी दो तरीके की होती है, एक हार्ड डिस्क और एक फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में ऑलरेडी डिटेल में मैंने सेशन ले लिया है, जहां पर इन पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर भी कंप्लीट डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज का सेशन रहने वाला है ऑप्टिकल डिस्क पर बेस्ड, और ऑप्टिकल डिस्क के सबसे पहले डिवाइस पर बेस्ड जिसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो बिल्कुल अगर हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क अगेन आपकी डिवाइड होती हैं तीन टाइप की मेमोरीज में, जिसमें सबसे पहला है सीडी, दूसरा है डीवीडी और तीसरा है ब्लूरे डिस्क। वहीं बीच में आप लोगों ने देखा था एक वीसीडी भी आई थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली चार तरीके की होती हैं, पहला सीडी, दूसरा डीवीडी, तीसरा वीसीडी और चौथा है आपका ब्लूरे डिस्क यानी बीआरडी। तो आज इसी में से हम सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर इसके आने वाले सेशंस पर हम लोग डीवीडी से रिलेटेड, ब्लूरे डिस्क से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, क्योंकि यहां से एग्जाम में डैम श्योर आपका क्वेश्चन बनता है और काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहता है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क से पूछे जा सकते हैं। हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन, नेम द फाउंडर ऑफ सीडी। सीडी के फाउंडर कौन है, किसने बनाई सीडी या सीडी के इन्वेंटर कौन है? ऑप्शन है मिस्टर जॉन मैकार्थी, जैक डोर्सी, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, जेम्स रसल या मिस्टर अजय भट्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्टर जेम्स रसल। यानी सीडी हो या डीवीडी हो, इन दोनों के फाउंडर हैं मिस्टर जेम्स रसल। बाकी ऑप्शंस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मिस्टर जॉन मैकार्थी, इनको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडर। यानी मिस्टर जॉन मैकार्थी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैक डॉर्सी, ये चिड़िया के पापा हैं, मतलब ट्विटर के पापा, और आजकल चिड़िया काफी उड़ भी रही है, मतलब ट्विटर काफी उड़ भी रही है आपने देखा, और सरकार लगातार इसके पर काटने में लगी हुई है ना। तो ये है मिस्टर जैक डॉर्सी, ट्विटर के फाउंडर या सीईओ भी कह सकते हैं। अगला नाम है यहां पर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ये आपकी कीबोर्ड के फाउंडर हैं। तो फाउंडर ऑफ कीबोर्ड यानी जिन्होंने कीबोर्ड बनाया, उन पर्सनालिटी का नाम है मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। और लास्ट है मिस्टर अजय भट्ट, जिन्हें यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के फाउंडर के रूप में जाना जाता है, और ये भारतीय हैं, इंडियन हैं। मिस्टर अजय भट्ट काफी फेमस नाम है, यूएसबी के फाउंडर मिस्टर अजय भट्ट, और सीडी और डीवीडी के फाउंडर आपके हो गए मिस्टर जेम्स रसल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन गाइस, द कॉम्पैक्ट डिस्क वॉज को डेवलप्ड बाय। कॉम्पैक्ट डिस्क किस कंपनी के द्वारा बनाई गई, और क्योंकि को डेवलप लिखा गया है इसका मतलब किन्हीं दो कंपनीज के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा इसको बनाया गया। वो दो कंपनीज कौन कौन सी हैं? फिलिप्स एंड सोनी, आईबीएम एंड सोनी, सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट या फिर सैमसंग एंड सोनी। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज फिलिप्स एंड सोनी। ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने मिलकर सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को बनाया। और तभी आप लोग ने देखा भी होगा कि जो मैक्सिमम आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क आती हैं वो या तो फिलिप्स कंपनी की या फिर सोनी कंपनी की आती हैं, है ना। तो इसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि यही दोनों फाउंडिंग कंपनी है किसकी, कॉम्पैक्ट डिस्क की।
अगला क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सीडी। देखिए सीडी जैसे कि अभी हमने कहा था कि ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, और ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाइट पर काम करे, जो लाइट की स्पीड पर काम करे, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, जो कि सीडी भी एक तरीके की ऑप्टिकल डिस्क है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीडी किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बहुत सही, द करेक्ट आंसर इज लेजर टेक्नोलॉजी पर सीडी बेस्ड है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा सीडी का जो फ्रंट पोर्शन होता है वो काफी चमकदार होता है, शाइनी होता है, क्योंकि वहीं पर लेजर बीम आपकी लगी होती है जहां से डेटा को रीड किया जाता है सीडी में, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड लेजर टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। इन विच ईयर कॉम्पैक्ट डिस्क वॉज इन्वेंटेड, किस ईयर में कॉम्पैक्ट डिस्क को बनाया गया, 1911, 1925, 1977, 1965 या 1999, एंड द करेक्ट आंसर इज 1965। 1960 की दशक में, 1965 में कॉम्पैक्ट डिस्क को बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन, अ कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर कंप्यूटर्स डेटा ओवर, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क कितने डेटा को स्टोर कर सकती है। अब देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर साइज की हम बात करें तो आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी 700 MB के साथ में आती है, लेकिन कभी भी एक्चुअल साइज उसका नहीं होता। जब आप लगाएंगे सीडी तो आपको 700 MB पूरी नहीं दिखेगी, कुछ कम दिखेगी। तो इसका मतलब 700 MB में आप डेटा को स्टोर तो नहीं कर सकते, डेटा को स्टोर तो कम में ही किया जा सकता है, और वो कितना है यही यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो 700 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, वेरी गुड, दैट इज 680 MB, यानी 680 MB इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ पर 700 MB भी लिखा मिल जाए, तो याद रखिएगा इस केस में 700 MB करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डिस्क कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क, ये एक सर्कुलर डिस्क है, विच इज कोटेड विद अ थिन मेटल और सम अदर मेटीरियल दैट इज हाईली रिफ्लेक्टिव। पहली बात कह रहे हैं ये गोल है, दूसरा कह रहा है कि इसको कोट किया गया है काफी पतले मटेरियल या मेटल के द्वारा, और तीसरी बात कही जा रही है कि वो काफी रिफ्लेक्टिव है नेचर की, और ये तीनों बातें फिट होती हैं ऑप्टिकल डिस्क में, और यहां पर दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज गिवन बाय, कॉम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या है। देखिए चाहे वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो या डीवीडी हो या ब्लूरे डिस्क हो, इन सभी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक ही है, और वो है नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, यानी जितने सेक्टर हैं और जितने बाइट्स हैं हर एक सेक्टर में, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी, डीवीडी या फिर ब्लूरे डिस्क। तो पहला बिल्कुल यहां पर सही आंसर बनता है, याद रखिएगा काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एक्सिस टाइम ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज जनरली, यानी ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी या डीवीडी में किसी भी डेटा को निकालने में कितना समय लगता है। तो देखो ऑप्टिकल डिस्क फास्ट तो नहीं है, क्योंकि फास्टेस्ट मेमोरी आपकी या तो रैम है या रजिस्टर है या कैशे है, तो ये फास्टेस्ट नहीं है, तो नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, लेकिन कितना ज्यादा समय लगता है, आंसर है 100 से 300 मिलीसेकंड का समय लगता है डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को निकालने के लिए सीडी या डीवीडी से, या डेटा को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है, 100 से 300 मिलीसेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, अभी हम लोगों ने देखा था कि सीडी में कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो आंसर था वहां पर 680 MB, है ना, दैट इज नियरेस्ट टू 700 MB। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 700 MB, ये है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क का साइज। और बिल्कुल हम लोग ने देखा भी है, जब भी मार्केट से सीडी लेने आप गए हो, है ना, अब तो फिलहाल सीडी नहीं आती, अब तो
या तो डीवीडी मिलेगी या तो ब्लूरे डिस्क मिलेगी। तो लेकिन जब सीडी हम लोग लेने जाते थे तो उसके ऊपर लिखा भी रहता था एक तरफ कंपनी का नाम और दूसरी तरफ सीडी की कैपेसिटी, दैट इज 700 MB, है ना। ये चीज आप लोग ने भी नोटिस की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम की फुल फॉर्म बताइए पहले तो, और फिर सीडी रोम होता क्या है इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सीडी रोम है क्या? देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी सीडी जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड सीडी रोम। अब मार्केट से जब कभी भी आप लोग गए होंगे और आपने किसी मूवी की सीडी ली होगी तो बट नेचुरल है कि आप उसमें कोई भी एडिटिंग यानी बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो वो सीडी रोम है। यानी एक ऐसी सीडी जिस पर आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, जिस पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, इस तरीके की सीडी को क्या बोलते हैं? सीडी रोम बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अमंग दिस विच इज द टाइप ऑफ अ सीडी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं ये लोग, और बहुत ही फेवरेट है ये क्वेश्चन। CDR, CD-ROM, CD-WORM, CDRW या ऑल ऑफ दीज। तो CD ये बेसिकली अगर हम देखें तो तीन तरीके की होती है। CDR भी सही है, CD-ROM भी सही है। CD-ROM को CD-WORM भी कहते हैं, तो यानी ROM और WORM एक ही चीज है। और तीसरी हो गई आपकी CDRW। तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अभी हम लोग ने सीडी रोम के बारे में चर्चा करी थी, सीडी आर क्या है, सीडी वॉर्म क्या है और सीडी आर डब्ल्यू क्या है। चलिए इन पर भी एक चर्चा कर ली जाए, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा, ये चारों नाम आपको यहां पर याद रखने हैं, जबकि रोम और वॉर्म ये एक ही चीज होती है। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जानते हैं। सीडी आर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी वॉर्म का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस रीड मैनी, और सीडी आर डब्ल्यू का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अब एक एक करके समझ लेते हैं इन सबको। देखिए जब आप मार्केट में जाते हैं और एक ब्लैंक सीडी लेकर आते हैं, यानी खाली सीडी जिसमें कुछ भी नहीं होता, और आप लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसी सीडी को हम सीडीआर कहते हैं। यानी एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि बिल्कुल खाली, बिल्कुल एम्प्टी जो सीडी होती है जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ए सीडीआर। और जब आप उसमें एक बार लिख लेते हैं लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी, या मार्केट से ऐसी लिखी हुई सीडी आप लेकर आते हैं जिसमें कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी सीडी रोम कहते हैं, या उसी को ही सीडी वॉर्म भी बोलते हैं। वॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार जिसको आप लिख सकें और उसको बार बार पढ़ सकें। तो ये है आपकी सीडी वॉर्म, जिसको सीडी रोम के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। अब सीडी आर डब्ल्यू, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, आर डब्ल्यू का मतलब है री राइटेबल, यानी एक ऐसी सीडी जिस पर बार बार आप लिख सकते हैं, उसको डेटा को इरेज कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं। तो री राइटेबल मतलब जिस पर बार बार डेटा को लिखना पॉसिबल हो, इस तरीके की सीडी को सीडी री राइटेबल मतलब आर डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। तो आपको शायद क्लासिफिकेशन और इनकी फुल फॉर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एस, ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली सीडी को, और किस नाम से जानते हैं? CDR, CD-ROM, CD-WORM, CDRW या all of these? Very good, and the correct answer is CDR. अभी हम लोग ने देखा था कि वो CD जो बिल्कुल blank होती है, उसको CDR यानी Compact Disc Recordable के नाम से जानते हैं। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वो CD कौन सी है जिसमें एक बार लिखा जा सकता है और बार बार एडिट करना यानी लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में रोम भी आंसर हो सकता है और वॉर्म भी आंसर हो सकता है, डिपेंड कि ऑप्शन में आपको क्या गिवन है।
और अगर दिया जाए कि ऐसी सीडी जिसमें बार बार एडिटिंग कर पाना पॉसिबल है, तो वो सीडी आरडब्ल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स ऑडियो कैन रन यूजिंग अ कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क में जो ऑडियो फाइल्स हैं वो कितनी देर तक चलाई जा सकती हैं, यानी कितने मिनट का ऑडियो हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं सीडी में। तो आंसर है 1 घंटे 20 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल है सीडी के केस में, यानी अगर हम 1 आवर और 20 मिनट्स की बात करें, इसका मतलब इन ऑल 80 मिनट इज दी करेक्ट आंसर। तो 80 मिनट से ज़्यादा ऑडियो फाइल हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं सीडी के केस में, क्योंकि इसका साइज काफ़ी कम होता है और वो है 700 MB, और 700 MB में भी जो डेटा स्टोर होता है वो अप्रॉक्सीमेट 680 MB में होता है, तो इसमें 80 मिनट के सॉन्ग को ही रख पाना पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन, दिस डिस्क इनेबल वन टू सी अ मूविंग इमेजेस क्लियरली ऑन दी स्क्रीन, यानी इनमें से ऐसी कौन सी डिस्क है जिसकी मदद से आप मूविंग इमेजेस का मतलब होता है वीडियो, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो वो क्या होता है, मूविंग इमेजेस होती हैं। स्क्रीन पर मूविंग इमेजेस को देख पाना किसकी मदद से पॉसिबल है, सीडी रोम, सीडीआरडब्ल्यू या वीसीडी। तो देखिए आपको याद होगा कि आप लोग के घरों में या हमारे घरों में आप लोग ने देखा होगा कि वीसीडी प्लेयर का भी यूज किया जाता था ना, सीडी प्लेयर आए, फिर उसके बाद वीसीडी प्लेयर आए जो काफी एडवांस रहे, और वहां पर वीडियोस को देखना हाई क्वालिटी में, हाई डेफिनेशन में, ये काफी पॉसिबल बन चुका था। तो आंसर यहां पर क्या होगा, वीसीडी, जिसकी फुल फॉर्म है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं सीडी, डीवीडी, वीसीडी, फिर इसके बाद ब्लू रे डिस्क, बीआरडी। सीडी कैन स्टोर विच टाइप ऑफ डेटा, सीडी किस तरीके के डेटा को स्टोर करके रख सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर या ऑल ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क में ये सभी तरीके के डेटा को सेव करके रख पाना, स्टोर करके रख पाना पॉसिबल है, चाहे वो ऑडियो फाइल्स हों, वीडियो फाइल्स हों, टेक्स्ट हो या पिक्चर्स हो। तो आंसर यहां पर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समझिएगा, कह रहा है कि सीडी पर डेटा को लिखना क्या कहलाता है, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी पर डेटा को लिखना क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीडिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेसिंग, बर्निंग या राइटिंग। आंसर है बर्निंग, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, यानी सीडी पर डेटा को लिखना बर्निंग कहलाता है, याद रखिएगा। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज कॉल्ड, इसका ठीक उल्टा, यानी पहले वाले केस में हम लोग ने देखा था कि सीडी पर डेटा को लिखा जा रहा था, और यहां पर कह रहे हैं कि सीडी से डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है। इसका मतलब कि सपोज करिए कि आपको सीडी से डेटा को अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, कॉपी करके पर्सनल कंप्यूटर में ले जाना है, या फिर अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेना है सीडी से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी सीडी से डेटा को हटाना और उसको कॉपी करना कहां पर, पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिपिंग। फिफ्थ इज दी करेक्ट आंसर। तो यहां पर दो चीजों के बारे में आप लोगों ने डिफरेंस को समझा, एक बार फिर से मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा रिकॉल करके देखिएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। बर्निंग क्या होता है, जब हम डेटा सीडी पर लिखते हैं, यानी सपोज करिए पर्सनल कंप्यूटर पर कोई एक डेटा है आपका, कोई एक फाइल है, और उसको आप सीडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करना क्या काफी आसान है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए आपको कई सारे बर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आप सीडी पर डेटा को लिख सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्निंग। और जब कभी भी सीडी से डेटा कॉपी करके पर्सनल कंप्यूटर पर लाना हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिपिंग। और बर्निंग और रिपिंग से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, कॉपी फ्रॉम पीसी टू सीडी
is called as burning, whereas copy from CD to PC is called as ripping. तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. अगला क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट फॉर दी सीडी टुडे इज और आर, यानी आजकल के समय में जैसे कि हम लोग ने अभी बात भी करी कि सीडी की कैपेसिटी काफी कम है, 700 और 680 MB, तो इसमें डेटा को स्टोर कर पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल तो नहीं है, कुछ लिमिटेड डेटा को ही स्टोर करके रख सकते हैं. इसलिए सीडी को एडवांस किया गया और कई सारी टेक्नोलॉजी और भी आई और इसी रिप्लेसमेंट के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है. तो डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, जंप ड्राइव, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. यानी कॉम्पैक्ट डिस्क की जो रिप्लेसमेंट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो डीवीडी भी है. बात सही है. डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लूरे डिस्क BRD, जंप ड्राइव्स जिसमें कंप्रेस करके काफी सारे डेटा को सेव किया जा सकता है ना, जिसको हम जंप ड्राइव के नाम से जानते हैं, तो ये सभी आपके सही ऑप्शन अवेलेबल हैं. अगला क्वेश्चन, वन एंड जीरो बाइनरी नंबर इन कॉम्पैक्ट डिस्क आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है. हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी डेटा हम लिखते हैं वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होता है, वो जीरो और वन के फॉर्म में होता है. एग्री. यहां पर कह रहा है कि वन एंड जीरो बाइनरी नंबर्स इन कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी में जो वन और जीरो हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वन को क्या बोला जाता है और जीरो को क्या बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के सेंस में, ये आपको बताना है. पिट एंड लैंड, ऑन या ऑफ, ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो, ऑल ऑफ दीज. देखिए ये कहीं ना कहीं वन और जीरो को नॉर्मली जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो ऑन और ऑफ भी बोल देते हैं, ट्रू और फॉल्स भी बोल देते हैं बूलियन अलजेब्रा के केस में, यस और नो भी बोल देते हैं कोडिंग के केस में. लेकिन जब हम कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहे होते हैं या ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे होते हैं तो इस केस में हम बोलते हैं पिट एंड लैंड. तो याद रखिएगा वन एंड जीरो इन केस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड एज पिट एंड लैंड इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? तो यही समझिएगा कि जब हम सीडी को लिखते हैं, रीड और राइट करते हैं, तो जीरो और वन की फॉर्म में डेटा को रीड और राइट किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पिट एंड लैंड इन टर्म्स ऑफ लेजर बीम, क्योंकि लिखने के लिए या पढ़ने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं. तो जब लेजर बीम एक सरफेस पर डाली जाती है, जब इसकी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तो ये 0101 के कॉम्बिनेशन आपकी स्ट्राइक होते हैं और लिखे जाते हैं, और इसी को पिट एंड लैंड हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट, रेप्लीकेटेड सीडीज आर प्रोड्यूस्ड इन बल्क यूजिंग. आप लोग ने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे कोई एक मूवी है और मूवी की सीडी है, या कोई एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग की सीडी है, तो कई सारी सीडीज मार्केट में एक जैसी होती हैं. एग्री और नॉट? एक जैसी कई सारी रेप्लीकेट डुप्लीकेट सीडीज मार्केट में अवेलेबल हैं. तो क्वेश्चन ये उठ रहा है यहाँ पर कि इन रेप्लीकेटेड सीडीज को, इन डुप्लीकेट सीडीज को कैसे बनाया जाता है बल्क में, इसके पीछे किस टेक्नोलॉजी का, किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. तो वो मशीन है आपकी हाइड्रोलिक प्रेस. आपके सामने ये दी भी हुई है मशीन, इसी मशीन को हाइड्रोलिक प्रेस कहा जाता है, जिसकी मदद से डायमंड को भी क्रश किया जा सकता है, और साथ ही साथ रेप्लीकेट सीडीज को बनाने के लिए भी हाइड्रोलिक प्रेस का यूज किया जाता है. क्लियर है? याद रखिएगा इसको. आखिरी क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, सीडी हैज हाउ मेनी साइड्स. सीडी के कितने तरफ होते हैं, यानी कितने साइड होते हैं एक सीडी में? तो आप जानते हैं कि एक सीडी में दो साइड होते हैं, एक तो थोड़ा सा शाइनी होता है और दूसरा थोड़ा सा डल होता है, नॉट शाइनी फॉर्म में होता है. तो देख लेते हैं, एक है प्लेन साइड और दूसरा है शाइनिंग साइड. अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इसको भी जान लीजिए. जो प्लेन साइड होता है, इसमें कंटेंट होता है सीडी का, यानी जो डेटा सेव होता है वो प्लेन साइड में होता है, जबकि शाइनिंग साइड इट कंटेन्स दी लेजर बीम. इसमें लेजर बीम की एक परत होती है जिसका इस्तेमाल सीडी को रीड करने के लिए किया जाता है. यानी एक तरीके से अगर हम देखें तो रीडिंग के लिए लेजर बीम हो गया, और राइटिंग के लिए यानी कंटेंट के लिए प्लेन साइड आपका यूज हो गया.
तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगी। तो सीडी से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और यहीं से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेने के बाद में अब सीडी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यस और नो, अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है इस पार्टिकुलर सेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना, मैं आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस तरीके के जितने भी सेशन मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो सेशन अच्छे लग रहे होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहे हों तो लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस भी करिएगा। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए जिससे कि मैक्सिमम कैंडिडेट तक वीडियोस की रीच हो और वीडियो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुंच पाए, जिस तरीके से सभी को यहाँ पर यूजफुल मिलें और सभी इस वीडियोस का फ़ायदा ले पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द हाजिर होंगे इसी तरीके की नए वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।